हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट वन। अभी इसके बाद बहुत सारे पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूं जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका यूपी पुलिस की री एग्जाम डेट आ गई उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इन सभी पार्ट को पूरा एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक भी जरूर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आप लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रम 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, वे कितने बजे मिलेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए दो दोस्त हैं आर और एस, ये दूर रहते हैं 17.5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और आर ने चलना स्टार्ट किया एस की तरफ को और एस ने चलना स्टार्ट किया आर की तरफ को, और इनकी चाल भी दे दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ को। तो यहाँ पे टाइम निकालना है सबसे पहले। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो भी डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको हम चाल से भाग कर देते तो हमारे टाइम आ जाते कि कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है। बट ये पूछा कितने बजे मिलेंगे, तो बजे तो हम निकाल लेंगे बट सबसे पहले टाइम निकालिए। टाइम निकालने के लिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकते हैं, दो दोस्त भी हो सकते हैं, ट्रेन भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, बाइक, जो भी हो सकता है, वो जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को चलते हैं, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो यहाँ पर उन दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं। और यही दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पे इन दोनों की चाल को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस तो आपको दे ही रखी है कितनी, 17.5 है, तो 17.5 को डिवाइड करेंगे हम S1 S2 से, यानी कि दोनों की चाल को प्लस करके। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो है 17.5, दोनों की चाल को प्लस करेंगे 3 और 4 7, तो यहाँ पे 3 और 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ये हो जाएगा कितना, 17.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो 175/70 हो जाएगा। 175 को जब 70 से आप भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, दो बार तो पूरा कंप्लीट चल जाएगा, फिर 35 बचेगा, तो 35/70, 35 एक बार जाएगा 35 से और 70 जाएगा दो बार, तो 2 से 1/2 हो गया। 1/2 को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में ये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टाइम निकल के आएगा कि 2 घंटे 30 मिनट में मिलेंगे। अब ये देख लीजिए आप, 10 के बाद 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा किस टाइम मिलेंगे। तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 12:30 बजे ये मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12:30, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर यहीं पर आप देखिए एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए ये ट्रेन होती, ठीक है, और ये ट्रेन एक किसी प्लेटफॉर्म को पार करती, तो ट्रेन की चाल, मतलब ट्रेन की डिस्टेंस प्लस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था उसकी डिस्टेंस को प्लस करके और ट्रेन की चाल से भाग कर देते, ठीक है। या फिर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब भी आपको इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई को प्लस करना है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और दोनों की चाल को प्लस करके भाग कर देना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें सब कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 बराबर गिलासों में क्रम 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है, इन्हें पानी से भर दिया गया है, दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहली तो बात यह है कि आपको रेशो नहीं पता है कि दूध और पानी का रेशो कितना कितना है, बस यहाँ पे बताया गया है कि 1/3 दूध है, 1/4 दूध है 2 गिलास में, फिर जो बचा हुआ पोर्शन था उसमें पानी भर दिया गया। तो उसको कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको 1/3 को 1 में से माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि खाली का खाली कितना था। भाई 1 गिलास का अगर 1/3 पानी भरा, मतलब 1/3 दूध भरा हुआ है, तो बाकी का पोर्शन कितना खाली है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर दीजिए, 1/3, ठीक है, तो आपको निकल के आ जाएगा। या फिर आप छोटी सी बात समझिए, देखिए गिलास वन का कितना पोर्शन खाली है, जितना भी पोर्शन खाली होगा उसमें पानी भर दिया जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना है और मिल्क कितना है। मिल्क तो दे रखा है 1/3 है। अब मुझे ये बताइए, ये 3 जो है वो उस गिलास की कैपेसिटी है और 3 में से 1 पोर्शन आपका क्या है, मिल्क है,
ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी कितना पोर्शन उसका मिल्क का बचा हुआ है। तो उसका मिल्क का पोर्शन बचा है, 3 में से 1 को माइनस करिए, 2/3 बचा हुआ है। एक बार और बताता हूँ भाई, ये लिखा ना कि मिल्क जो भरा हुआ है गिलास में वो 1/3 भरा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गिलास का जो कैपेसिटी है वो 3 की है और उसमें से 1 भरा हुआ है, 1 यूनिट भरा हुआ है दूध का। तो 1/3 ये बोल सकते हैं कि मिल्क जो भरा हुआ है गिलास में 1/3 है। तो बचा हुआ पोर्शन कितना है भाई, टोटल कैपेसिटी तो मिल्क की जो गिलास की है वो कितनी है, 3 है ना, तो 3 नीचे हम रखेंगे और इसमें से 1 मिल्क है तो 3 में से तो बचा हुआ 2 कित क्या होगा, वाटर होगा, तो 2/3 आपका ये हो जाएगा वाटर। इसी तरीके से गिलास 2 की भी हम निकाल लेंगे, 1/4 उसमें मिल्क भरा हुआ है, एक गिलास उसमें 1/4 मिल्क भरा हुआ है, 1/4 सॉरी, तो यहाँ पे कितना वाटर भरा जाएगा, तो जो जितना पोर्शन बचा हुआ है उसमें वाटर भर दिया गया है, तो बचा हुआ पानी यानी कि बचा हुआ गिलास कितना है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो 1 में से माइनस करिए 1/4, तो 4 एकम 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/4, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसी से आप इससे भी निकाल सकते थे, या फिर आप समझने की कोशिश करिए कि 4 पोर्शन है टोटल कैपेसिटी उस गिलास की, ठीक है, यानी कि उस गिलास को अगर हम किसी भी चीज़ से भरे तो उसमें 4 यूनिट आ सकता है, 4 में से 1 तो हो गया मिल्क, बचा कितना 3, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4 आपका वाटर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या फिर यहाँ पे 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 करेंगे, 3 एकम 3 और माइनस 1 करेंगे कितना होगा, 2/3, तो आपका 2/3 बच जाएगा वाटर। तो ये तो मिल्क था, बोला ना इन्होंने कि इसमें पानी भर दिया जाता है, जो बचा हुआ गिलास है ना जो पोर्शन उसमें पानी भर दिया जाता है, तो मिल्क का ये पोर्शन था और वाटर का ये हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनको एक गिलास में उलट दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे, 1/3, ठीक है, तो 1/4 ये दोनों को यानी कि मिल्क वाली पोर्शन को एक साइड में प्लस कर लेंगे और वाटर वालों को एक साइड में प्लस कर लेंगे, और जो भी रेशो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/3 + 1/4, 2/3 + 2/3/4 ये आपने किया, तो यहाँ पे कितना है 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा तो 8 और 9 हो जाएगा, तो इनको 12 से तो ये तो हट ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 17, तो यही आपका रेशियो बन जाएगा 7:17। ये पूछा है कि उसमें मिल्क और वाटर का जब एक टब में उलट दिया जाता है तो मिल्क और वाटर का क्या रेशियो आएगा, तो 7:17 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझते हैं, कुछ उसी टाइप का है और अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़ें। यदि 1 बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे लिखा ना बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, इसका मतलब है कि उस बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो टोटल 7 यूनिट की है और उसमें से 3 यूनिट 1 मिनट में भरा जाता है। तो आपको पता चल गया कि 1 मिनट में यहाँ पे कितना भरा जाता है भाई, 3 यूनिट भरा जाता है। तो बचा हुआ भाग जो है वो कितना है, वो बचा हुआ भाग यहाँ पे 7 में से 3 तो भर चुका है, बचा कितना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितनी देर में भरा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 मिनट में आप 3 यूनिट भरते हैं तो कितनी मिनट में आप 4 यूनिट भरेंगे, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं कितनी मिनट में भरेंगे, तो 3x और ये हो जाएगा 4, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 मिनट में भरा जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपकी कैलकुलेशन लंबी पड़ जाए, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 3/7 लिखा है, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखते कर लेंगे सेकंडों में, कि यहाँ पे बोला गया है कि 3/7 भाग भरा हुआ है 1 बाल्टी का, तो उस बाल्टी का जो 7 है ना टोटल कैपेसिटी, उसमें से 3 भाग भरा हुआ है, तो पूछा बचे हुए भाग को कितनी देर में भरा जाएगा, तो बचा हुआ भाग कितना बचा है, 7 में से 3 को माइनस करिए, बचा हुआ भाग है आपका 4 यूनिट, इस 4 यूनिट को कितनी देर में भरा जाएगा, 1 मिनट में आपका भरा जाता है 3 यूनिट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा सा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 मिनट में 3 भरा जाता है, तो कितनी मिनट में 4 भरा जाएगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी हार्ड नहीं है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 3 यूनिट भरा जाता है, तो 4 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से करेंगे तो 4 एकम 4 यानी कि 4/3 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे करिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नल टंकी से, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल 60 मिनट में भर सकता है, खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक नल है 20 मिनट में भरता है, दूसरा नल जो है वो 60 मिनट में भरता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60,
ठीक है भाई, 60 जो है ये टोटल कैपेसिटी आ गई उस टैंक की जिसको ये 20 यूनिट में भरता है। तो एक यूनिट में कितना भरता होगा ये आपका 20, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 यूनिट एक मिनट में भरता होगा, 60 को 60 से भाग करेंगे तो बी एक मिनट में एक यूनिट भरता होगा, यहाँ पे दोनों मिलके एक मिनट में आपका 4 यूनिट पानी भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि शुरू में 10 मिनट खाली टंकी में दोनों नल खोल दिए जाते हैं, शुरुआत में के लिए खोल दिए जाते हैं, इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। तो 10 मिनट में कितना भरेंगे ये भाई, दोनों चले ना 4 यूनिट एक मिनट में 4 यूनिट पानी भरते हैं और 10 मिनट तक चलाए गए हैं तो 10 मिनट में आपके 40 यूनिट पानी भर देंगे, तो 60 में से 40 को माइनस करेंगे बचेगा 20। अब इसके बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है, ए नल बंद हो गया तो बचा बी, बी भरेगा बचे हुए पानी को, तो बचा हुआ पानी कितना है भरा हुआ जो टंकी में भरना है वो 20 यूनिट भरना और है, तो 20 को एक से भाग करेंगे तो 20 मिनट लगेगा बचे हुए पानी को भरने में ए बी को। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बी बचे हुए जो टंकी का पानी है उसे भरेगा 20 मिनट में। तो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बटा यानी कि डिस्काउंट देकर 387 रुपीज में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी क्या होगा। तो आपको एमआरपी निकालना है, देखिए एमआरपी जो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट दिया गया है 14% का, सेलिंग जो आपका है जो सेल किया आपने कितना 387 में, तो 387 में सेल किया है तो सेलिंग प्राइस जो आपकी होगी एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, यानी कि आपका जो 100% होगी एमआरपी उसमें से 14% का डिस्काउंट देंगे तो आपका कितना बचेगा 86% बचेगा, यानी कि जो सेल किया गया ये है आपका वस्तु ये 387 की है, यह 387 आपका 86% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है तो 387 को आप क्या किससे डिवाइड करेंगे 86 से, और यहाँ पे निकालना क्या है हमें एमआरपी निकालनी है, ठीक है अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना था 100% था, इसमें से 14% का डिस्काउंट दिया गया था ना, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 86 से इसको कट करेंगे 387 को 4.5 टाइम, 4.5 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एमआरपी आपका आ जाएगा 450, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके के भी कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, यहाँ पे एमआरपी को 100 मानना है क्योंकि हमें एमआरपी का के रिगार्डिंग कोई चीज़ें बताई नहीं गई है और निकालनी भी हमें एमआरपी है। ठीक है, तो एमआरपी को 100 मानिएगा, डिस्काउंट एमआरपी में से माइनस होगा तो 86% की वैल्यू बचेगी, 86% की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी और इसको हम डिवाइड करेंगे 86 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें 86% की अगर वैल्यू पता है तो 100% की निकाल सकते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक छात्रवास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दिए तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होगी, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी, पहले खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 35 छात्र थे, 35 में 7 और बढ़ा दिए, 7 के बढ़ाने से 42 रुपये खर्चा बढ़ गया, खाने का जो खर्चा था वो खाने का खर्चा बढ़ गया, बट जो औसत खर्चा था वो घट गया, तो कहीं ना कहीं जो ये 42 छात्र आए हैं, 7 छात्र आए हैं, उन्होंने 42 रुपये का खर्चा कराना स्टार्ट किया है, तो ये जो पहले वाले छात्र हैं ना उनसे कम खर्चा करा रहे हैं। ठीक है, वो खर्चा ज़्यादा कराते हैं और ये खर्चा कम करा रहे हैं। देखिए जब 7 छात्र आएंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा, बट औसत खर्चे की कमी का मतलब है कि मान लीजिए हमने पहले वाले 7 छात्र ले लिए, ठीक है मान के देखिए इसमें से 35 में से मैंने 7 छात्र निकालिए, अगर इन 7 छात्रों के साथ में इन 7 छात्रों को कंपैरिजन किया जाता है तो ये वाले जो पुराने वाले छात्र हैं ये ज़्यादा खर्चा करते हैं और जो नए वाले छात्र आए हैं ये खर्चा कम करते हैं, तो नए छात्र की वजह से खर्चा तो बढ़ रहा है बट औसत खर्चे में एक की कमी आ रही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा अगर यहाँ पे नए छात्र आए 7 तो टोटल छात्र कितने होंगे, 35 प्लस 7 ये 42 छात्र, अब 42 छात्रों का जब खर्चा कम होगा एक एक से तो कितना खर्चा कम हुआ, 42 रुपये का खर्चा कम हो गया। ठीक है, यानी कि 42 रुपये का खर्चा कम करा रहे हैं ये छात्र, जो 7 छात्र आए ना ये 42 रुपये का खर्चा कम करा रहे हैं, जो कि इन्हें अगर ये 42 रुपये का तो खर्चा बढ़ ही गया, अगर 42 रुपये का और खर्चा करा देते हो जाता टोटल 84 रुपीज़ का, अगर ये 84 रुपीज़ का खर्चा कराते तो ये एवरेज जो एक से कम हुआ है ना ये कम नहीं होता, जो एवरेज डिक्रीज हो गया हमारा वो कम नहीं होता, खर्चा उतना ही रहता, तो इनकी इन्होंने 42 रुपये ही खर्च कराए, इनको कराने कितने थे 42 और कराने थे, थोड़ा सा समझने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 84 रुपीज इनको खर्च करने थे बट इन्होंने करे कितने 42 रुपीज, तो आप खुद देख सकते हैं कि ओल्ड वाले छात्र हैं वो कितना खर्चा कर रहे होंगे, तो 84 को 7 से भाग करिए, पहले वाले छात्र 12 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से खर्चा कर रहे थे। ठीक है,
और अगर अभी वाले छात्र देखे जाएं, ये 7 छात्र कितना करा रहे हैं, 42, तो 42 को आप 7 से भाग करेंगे, कितना खर्चा करा रहे हैं, 7 × 42, यानी कि ये जो नए छात्र आए केवल 6 रुपये खर्च कराते हैं और जो पुराने वाले छात्र थे वो 12 रुपये खर्च कराते हैं पर छात्र। तो इसका मतलब ये 6 रुपये खर्च करा रहे हैं, खर्चा तो बढ़ेगा भाई, जब 7 छात्र आएंगे खर्चा तो बढ़ेगा, बट औसत खर्चा तो कम हो रहा है ना, औसत खर्चे में एक की कमी आ रही है, तो ये कमी इसलिए आती है। तो पहले वाले खाने का खर्च कितना था आप इससे निकाल सकते हैं इजिली, यहाँ पे 35 छात्र थे, 35 छात्र 12 रुपये खर्च करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420, यही आपका 420 का खर्चा था पहले छात्रों का, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए इसको आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत है, इनमें अफसर तथा मजदूर हैं, इनका जो मासिक वेतन है 3000 रुपए तथा यदि अफसर का औसत मासिक वेतन देखा जाए तो वो कितना है, 10000 रुपये तथा मजदूर का औसत मासिक वेतन है वो 2000 रुपये है। तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है, अब मुझे ये बताइए 400 इसमें कर्मचारी वर्क करते हैं, यानी कि जिसमें अफसर भी हैं और आपके मजदूर भी हैं, जिसमें से आपको जो मासिक जो इनको वेतन मिलता है वो यानी कि ऑन एवरेज इनको 3000 रुपये मिलते हैं सभी को देखा जाए, बट यहाँ पे बताया गया है कि आपके अफसर जो हैं इनको तो मिलता है 10000 और जो मजदूर हैं उनको मिलते हैं 2000। तो अफसर और कर्मचारी का हमने लिखा 10000 और 2000 और औसत दोनों को मिलता है, अगर औसत निकाला जाए इनका 3000, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने अफसर हैं और कितने कर्मचारी हैं इनका रेशो। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 1000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7000, तो 3 3 0 काट कर देंगे तो कितना आएगा 1:7 का यहाँ पे रेशो आ गया। अफसर कितने हैं, 1 है मान लीजिए और कर्मचारी है 7, रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 400 है, तो 400 को आप कितने से भाग करेंगे, 7 और 1 8 से, और गुना किससे करेंगे, अफसर का पूछा है ना अफसर कितना है, तो अफसर का रेशो 1 है, तो 8 से 400 को डिवाइड किया 50 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 50 आ जाएगा। तो अफसरों की जो संख्या है वो 400 में से 50 अफसर है और बचे 350 वो आपके कर्मचारी हो जाएंगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सीपी है आपका मान लेते हैं 100 होगा, ठीक है, और एमआरपी मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स पे जब हम एमआरपी पे जब भी छूट देते हैं ना एमआरपी पे देते हैं, तो यहाँ पे बोला जब 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य कितना रखना होगा, तो हमने माना इस अंकित मूल्य पे जो हमने एक्स माना है इस पे हमने 25% की छूट दे दी। अगर 25% की छूट देते हैं तो वैल्यू कितने की बचेगी, 75 की, तो इसका 75% अगर हम निकालें जब भी छूट देने के बाद भी जब एमआरपी का 75% निकाले तो वो हमें 20% प्रॉफिट देना चाहिए, यानी कि 120, 100+20 यानी कि 120% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा बिल्कुल सीधा सीधा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75x, 12000 को 75 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 160। तो जो x की वैल्यू आई इसका मतलब एमआरपी आ गया, एमआरपी आपकी 160 है, तो सीपी कितनी हो जाएगी आपकी, सीपी तो हमें 100 थी, तो यहाँ पे देखिए कितने परसेंट अधिक रखना है, तो 60% अधिक रखना है, अधिक रखना होगा 60%, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो फिर यही था आज की वीडियो में सब कुछ, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। इसको सर्च करिएगा आप कहाँ पे, टेलीग्राम अगर आपके पास है तो वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, थोड़ी लेट सवेर जैसे भी होती है बट सारी PDF आपको वहाँ पे मिलती रहती है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, दूसरों को बताइएगा। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद वहाँ पे अपना नंबर वंबर भरने के बाद में टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी है, उनको डाउनलोड करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, तो आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।